मंत्री मदन कौशिक के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है। खबर यह मिल रही है कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के फेसबुक अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई, ट्विटर अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई है। और खबर यह है कि हैकिंग के मामले की शिकायत मदन कौशिक ने पुलिस से की है। कई मर्तबा जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अकाउंट हैक करने की कोशिश होती है, कई मर्तबा हैकर्स कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन मदन कौशिक ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। साइबर सेल में इसकी शिकायत की गई। फेसबुक और ट्विटर दोनों अकाउंट उनके हैक करने की कोशिश की गई है। हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप बताइए क्या कुछ जानकारी है। देखिए दरअसल शहरी विकास मंत्री उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्विटर या फेसबुक वो उनके जो पीआरओ ऑपरेट करते हैं तो उनके द्वारा पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि 30 अक्टूबर को उन्हें इसकी सूचना मिली तकरीबन 2:30 बजे उन्हें इसका पता लगा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के वो हैक कर लिए गए हैं और दो अननोन नंबर है जिन अननोन नंबर से लगातार उनके पास में मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे में जो एक और उनका अकाउंट था वो एक तरीके से पूरी तरीके से टैग कर दिया गया था तो जब उन्होंने सारे अकाउंट अपने चाहे वो ट्विटर के हो फेसबुक के हो सोशल मीडिया के जो अकाउंट उन्होंने खंगाले ये जानकारी उन्हें लगी कि ये जो अकाउंट है सोशल मीडिया के वो हैक हो चुके हैं और लिहाजा इस बाबत उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क साधा और देहरादून के जो SSP हैं उन्हें इस संबंध में शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई है। पुलिस को इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक हो गए हैं, वो जो नंबर है जिनके जरिए उन्हें आभास हुआ कि इन दो नंबर के जरिए मैसेज हो रहा है और लगातार इन दो नंबर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश हो रही है वो नंबर भी पुलिस को बताए गए हैं और इस बाबत शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस तो फिलहाल इस मामले में अब छानबीन कर रही है कि आखिर ये जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट थे वो कैसे हैक हो गए, पूरी जानकारी इसमें जुटाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम बातचीत के लिए।